दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने दिल्ली मिनाटी टूर पर है, जिसका पिछला शो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अब इसी कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिलजीत उन लोगों से मुखातिब हैं जो बिना कॉन्सर्ट की टिकटें खरीदे वेन्यू से कुछ दूर पर स्थित होटल की बालकनी में बैठकर फ्री में उनका कॉन्सर्ट देख रहे हैं। दिलजीत के इस कॉन्सर्ट की टिकटों के लिए खूब मारामारी रही, लोगों ने हजारों हजार खर्च करके इसकी टिकटों का जुगाड़ लगाया। ये उसी वक्त से चर्चा में है जब से इसकी टिकटें बिकनी शुरू हुई थी। टिकटों के दाम इतने महंगे होने के बावजूद मिनटों के अंदर सारी टिकटें बिक गई। बाद में ये रिपोर्ट्स भी आई कि इन टिकटों को कम दाम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा गया। इस पर तमाम तरह के विवाद भी हुए, मगर अब अहमदाबाद के एक होटल की बालकनी से कुछ लोगों ने मुफ्त में कॉन्सर्ट देख डाला। इन लोगों को दिलजीत ने प्यार से झाड़ भी लगाई। इस वायरल वीडियो में दिलजीत परफॉर्म करते करते बीच में रुक गए। वेन्यू से सटे होटल की बालकनी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, ये जो होटल की बालकनी पर सारे लोग बैठे हैं, आपका व्यू तो बहुत अच्छा है यार, ये तो होटल वाले गेम कर गए, बिना टिकट ही। हाँ, इसके बाद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी। उनके इस वीडियो पर अब तमाम तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। किसी ने लिखा है कि दिलजीत को भारी नुकसान हो गया, तो किसी ने लिखा दिलजीत के कॉन्सर्ट से होटल वालों की चांदी हो गई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उस होटल की बुकिंग कॉन्सर्ट की टिकट से ज़्यादा की महंगी होगी। खैर, कुछ लोग दिलजीत के इस सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके इसी सेंस की वजह से वो आज की जनरेशन के बीच इतने पॉपुलर हो गए हैं। बीते दिनों हैदराबाद में हुए कॉन्सर्ट में उन्होंने गाने की लिरिक्स में भी बदलाव किया था। तेलंगाना सरकार की तरफ से नोटिस मिलने के बाद उन्होंने अपने गाने में दारू की जगह कोक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए भी उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। वैसे दिलजीत का ये दिल्लुमिनाटी टूर अभी भी चालू है। 22 नवंबर को अगला टूर लखनऊ में होगा, इसके बाद 24 नवंबर को पुणे में, 30 नवंबर को कोलकाता में, 6 दिसंबर को बेंगलुरु में, 8 दिसंबर को इंदौर, 14 दिसंबर को चंडीगढ़ और फाइनली 29 दिसंबर को उनका आखिरी टूर गुवाहाटी में होगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहां गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह, यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल, जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पर एक चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए ललन टॉप के सालाना उत्सव में, ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।